जिंदगी चलत रहे ओकरा पैसा ज्यादा हमरा बहुत ज्यादा कमाए के शौक है ना, लेकिन हम हाँ, इतना कमाए के चाहे नहीं कि हम तनी नीमन खा ली या नीमन पहन ली आ साल में एक दू जगह घूम ली। अब ब्याह हो गए अपन खर्चा बढ़ ले बा, ओकरा बाद मेहरारू के खर्चा ऊपर से तनी सा महंगा मेहरारू उठा लिए नहीं हम तो और बहिल की भाई का कोई जाओ तो चैनल स्टार्ट भइल लागल कि 2 रुपया यूं जैसे आवता 2 रुपया यूं जैसे आवे लगी तो यही से शिफ्ट कर। डाउनलोड करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, हम हैं अनुराग रंजन और युवा देख रहा बानी खबर भोजपुरी। हम आज सिवान के नरहन में बानी आ आज हमनी के संगे मैच बॉक्स के फाउंडर राणा जी बानी। हमनी के यहाँ से बातचीत कर जाई यहाँ के जर्नी के बारे में। चलिए, बहुत बहुत स्वागत बार और भी यहाँ। सबसे पहले हम से सवाल करे के चाहें कि जौन मैच बॉक्स के रोड यात्रा बा एकरा बारे में हमनी के दर्शकन के अपन कुछ बताई। मैच बॉक्स के जौन यात्रा बटे एकर शुरुआत बहुत पहले भइल है, लेकिन नाम मैच बॉक्स ना रहे तब हमरे नाम से हम मजाक मजाक में एगो यूट्यूब चैनल बना दिल रहनी और आरजे राणा के नाम से चले ऊपर कुछ हम कबो कबो डाल दी जी। कोनो मतलब प्लानिंग ना रहे ऐसन। बाद में एगो हम ब्लॉग वीडियो बना देनी, हालांकि रउआ देख ले हम कि पंकज त्रिपाठी के इंटरव्यू हम डाले रहनी ऊपर वो चैनल पर, हालांकि ऑडियो रहे। ओकरा बाद एगो ब्लॉग बनैनी है जा मेहदार मंदिर के आ वो वीडियो बड़ा हिट कर गए यूट्यूब पर, काफ़ी अच्छा चलल और वही वीडियो के बदौलत चैनल जौन बा मोनेटाइज हो गई आ वही वीडियो के बदौलत चैनल पर कुछ पैसा भी आ गई। अच्छा, तब जब पैसा आयल तो मान ली कोनो काम करे में इंटरेस्ट तब तक ले ना रहे जल्द पैसा ना आवेला। तो जब पैसा आयल तो हम अपना एगो दू दोस्त यार के बताई नहीं आ एगो दूसरे मित्र देखिए के वीडियो देखिए कल रहे कि रे तो चैनल पर मोनेटाइज हो गए रही, हम का आई डी पासवर्ड देनी वही बेचारा मोनेटाइज कैलस। तू लो राय दिलो कि कुछ कुछ करत रह तो वही से शुरुआत भइल। ब्लॉग वीडियो पहले शुरू में कनी जा, रेडियो में हम रहबे कनी पहले रुआ जानता नहीं कि रेडियो में काम करत रहनी तो बहुत हमरा में इंटरेस्ट रहे ना, चूंकि रेडियो के एगो अलगे मजा रहे, उसमें शकल दिखावे में मजा ना आवे, शकल जब पीछे छुप रहे तो ओकर मजा रहे। तो हम चैनल शुरू कनी चलल। ओकरा बाद हमार शादी हो गई, शादी भइल तो मान ली कि कुछ खर्चा वर्चा भी बढ़ल जी। तो दोस्त यार कुल कहले कि चलो ठीक में नौकरी करत तरह से पैसा जनावत हो जाते हुई, अगर चैनलों से महीने में 100 रुपया आ जाओ, 6 महीना पर अगर 5,000-10,000 रुपया आता तो कम से कम तार पाकिट खर्चा तो आई नू तो कुछ कुछ करत रह। फिर भाई राय किया कोयल कह जाए भाई कुछ कुछ करे में का कल जी। तो हमारे गाँव जन्म बड़ा ऐतिहासिक गाँव हो जी, बड़ा मतलब सांस्कृतिक रूप से बड़ा समृद्ध गाँव हो। तो हमने के कहनी जा राय कहनी जा हमारे गाँव में लगभग 20-25 गो मंदिर बा, तो बारी बारी से सगरी मंदिर वगैरह दिखावे लग नहीं जा, गांव के नदी दिखावे लगे नहीं जा, कबो होरा लगाई जा तो दिखाई जा, कबो कुछ दिखाई जा आ लोग देखे चले लागल। बाद में न्यूज के कोनो प्लानिंग ना रहे कि एकरा के न्यूज चैनल बना दिया, नाम भी कोई को चेंज करनी जा ना, अपने पसंद पड़े ना लोग के पसंद पड़े, लेकिन लोग वीडियो देखे। बाद में हमारे को मित्र बड़े अभय सिसोदिया वह कहले कि नाम रही मैच बॉक्स जी। न्यूज चैनल तबो ना रहे, तबो ब्लॉग के चैनल रहे, कहले कि न्यू ओमे मैच बॉक्स के कोनो दायरा ना रही कि मैच बॉक्स पर का होई, मैच बॉक्स कौची दिखाई। ओकरा बाद ओकर जो लोगो भी डिजाइन भइल तो देखे लोग माचिस के डिब्बा बा ओमे ओमे तिली निकलल बा, तो तिली प्रदर्शित करता कि तार एगो दायरा नहीं खे, तारा आग लगावे के बा आग सकारात्मक होके चाहिए, नकारात्मक ना होके चाहिए। तो हमने काम करे लगनी जा, बाद में कोरोना के दौर आयल, पजुआर से हमने के जुड़ल बन जा, पजुआर में कोरोना के विस्फोट भइल, ओकर रिपोर्टिंग केहू हिम्मत ना रहे केहू के कि गाँव में घुस जाओ कोरोना के दौर में। कुछ लोग कहल तो हमू सर पर कफन कहली बांध के कोई नहीं रिपोर्टिंग कोई नहीं, ओकरा बाद घरे नहीं तो गाँव आ घर के लोग जन हमरा से बुलल बतियावल छोड़ दल इधर तो दूरे रहो। वही जैसे जर्नी स्टार्ट भइल और कोरोना काल में कुछ रिपोर्टिंग भइल, बाद में फिर विधानसभा के चुनाव आ गई और चुनाव में कुछ मित्र यार कहले कि चलो नेता लोग के इंटरव्यू कर जाओ, चैनल चलावल जाओ, 2-4 गो लड़का बड़ा सा मित्र बड़ा सा जो कि मैच बॉक्स के साथी बने वो सब लोग मिल के कहल कि भैया न्यूज चैनल स्टार्ट कर जाओ।
तो न्यूज चैनल स्टार्ट हो गई। हालांकि हम नौकरी प्लस न्यूज चैनल ये दोनों काम ओबरा रेडियो में भी काम करते रहनी, तो दोनों शुरुआत भइल और तब से चले लागल और लोग प्यार देला देता चलता। बिल्कुल। अब हमारा रउड़ा से एक सवाल बा कि रउआ 9 से 5 जो समय होला वाइट कलर जॉब के समय होला, रउआ रेडियो में काम करत रहनी, रउआ आरजे के तौर पर सिवान में हमरा समझ से बहुत फेमस रहनी, प्रसिद्ध हस्ती रहनी, तो रउआ काहे जरूरत पड़ल कि इतना प्रसिद्ध चेहरा रेडियो के, रेडियो से हट के एगो अलग मने ई मंच पर रउआ फुल टाइम आ गईनी? देखिए पहला बात कि हम 9 से 6 वाला नौकरी ना करत रहनी जी, जिंदगी में कबो टारगेट ना रहे कि करे के बा जी। हमनी के जमना गांव के हई जा, ए गांव के या जवार के लोग विदेश में ज्यादा रहला या फौज में जाला। हमरो घर के लोग के मन रहे कि या तो विदेश जाओ चाहे फौज में जाओ, लेकिन हमार बचपने से टारगेट रहे कि हमरा 9 से 6 वाला नौकरी नहीं करे के आ ना करे चाहे कुछ हो जाए। आ ऊ काम कबो नहीं करे के जौन सब केहू करेला। तो हम आरजे के पढ़ाई कही नहीं, ओकरो में बहुत सारा तेल पापड़ बेले के पड़ल ओकरा खातिर नौकरी करे लगनी। तो मैं हम 9 से 6 ना रहनी, बल्कि हम दोपहरिया में 2 घंटा के प्रोग्राम करी 3 घंटा के, और राति के 2 घंटा के प्रोग्राम करी, बाकी टाइम फ्री रही। तो बाकी टाइम हम फिल्म देख के आ कुछ ना कुछ अंड बंड कह के हम अपन टाइम काटत रहनी, जिंदगी चलत रहे। ओकरा पैसा ज्यादा हमरा बहुत ज्यादा कमाए के शौक है ना, लेकिन हम इतना कमाए के चाहे नहीं कि हम तनी नीमन खा ली या नीमन पहन ली और साल में एक दू जगह घूम ली। अब ब्याह हो गई, अपन खर्चा बढ़ले बा, ओकर बाद मेहरारू के खर्चा, ऊपर से तनी सा महंगा मेहरारू उठा लिए नहीं हम तो और बहिल की भाई का कोई जाओ। तो चैनल स्टार्ट भइल, लागल कि 2 रुपया यूं जैसे आवता, 2 रुपया यूं जैसे आवे लगी, तो यही से शिफ्ट कर देनी। और दूसरा चीज रहा कि रेडियो के दौर हो गए खत जी, जौना बेरा रहे अगर हम रेडियो में काम करते रहनी, हमरो मन ना रहे कभी वीडियो उडियो में आवे के ना, तो हम अगर वीडियो में आवे के मन कैले रही तो हम 2011 में ही चैनल बनेले रहनी, तो हम वही बरस वीडियो बनैती, तो हम ऊपर से वीडियो ना बना के हम आराम से इंतजार करते रहनी, काहे कि हमरा रहे कि शक्ल लेके देखावे के जी। बाद में सारा आरजे लो लागल लो वीडियो में आ गए लो, तो हम देखनी कि अब सीमान जैसन जगह पर हम का करी, कॉमेडी करे हमरा बहुत बढ़िया आवेला ना, कॉमेडी करे खातिर पूरा एगो कंटेंट के पूरा टीम चाहिए, जौन की हम शुरुआत कैले रहनी, हम कोशिश कैले रहनी कि हमरा ऐसा टीम मिल जाओ कि हम कॉमेडी वीडियो बनाई। तो यहाँ भकचुनर लोग ढेर बा, कुछ लोग खोज नहीं, काम सक्सेस ना भइल छोड़ देनी। न्यूज चैनल हमरा लागल कि हम चला सकत नहीं, पढ़ले बानी स्किल बावे ओकर फायदा उठाव तनी, 2-4 गो लड़का लोग जोड़नी, कुछ खुद ट्रेनिंग देनी, कुछ जैसे बड़ा रेडियो में रहला के फायदा ये रहल बा कि कुछ बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन से आदमी जुड़ल बा, जैसे बीबीसी हिंदी बा ओकरा से जुड़ल बा, द वायर से जुड़ल बा, द प्रिंट से जुड़ल बा, तो ऐसा ऐसा जन पत्रकार लो बा लो, तो ओ कुल ही पत्रकार लो से ये लोग कुछ कुछ सिखवा के आ काम कर शुरू कर लीजिए। और ऊ में रहे कि भाई भोजपुरी में करेगा, हिंदी में नहीं करेगा। तो ये रहे आरजे के नौकरी चलत रहे, जब समय रहे रेडियो के तो आदमी खूब इंजॉय कर ले बा, बढ़िया से नौकरी कर ले बा, जियो अला के बाद जब रेडियो के दौर खत्म हो गई तो शिफ्ट हो गई। अब मान ली कि कहल जाला कि थूक से सतुआ सान, तो सतुआ सानला के का जरूरत बा, छोड़ी ना वहां से हट जाए दूसरा जगह चल जाए। बिल्कुल। अब एगो हमारे राउड से पर्सनल सवाल बा कि रउआ अपना के यूट्यूबर मानत नहीं कि पत्रकार मानत नहीं? देखिए ई एगो बहुत बड़ा सवाल बाटे, ये हमरे खातिर नहीं के ढेर लोग खातिर बा। पहला बात कि जौन मेन स्ट्रीम मीडिया बा वो यूट्यूबर लोग पत्रकार मनबे ना करेले जी, आ धरातल के जौन समस्या बा ओकरा के उठावे खातिर ओकरा फुर्सत नहीं खे समास नहीं खे। तो अगर हम धरातल के समस्या उठावत नहीं तो हम यूट्यूबर पत्रकार हई जी, हम सीधा सीधा कहे नहीं कि हम यूट्यूबर पत्रकार हई, हम यूट्यूब पर ही दिखाओ तनी, हम फेसबुक पर ही दिखाओ तनी, लेकिन मुद्दा के बात तो उठाओ तनी जी। बिल्कुल। तो हम खाली यूट्यूबर ना हई, हम यूट्यूबर पत्रकार हई। अब चूंकि सरकार एक खातिर कोनो गाइडलाइन तय नहीं है कोई ले, कोनो अभी तक नियम नियमावली आई नहीं है, एगो बा भाई पढ़ले बा आदमी पत्रकारिता तो जानता कि AR कोड ऑफ कंडक्ट जोन बा जोन एथिक्स बटे ओकरा के पालन करते हुए चले के बा, तो चलत आदमी तो यूट्यूबर पत्रकार कही। अब बटे कि जौन युवा वर्ग बटे वो सोशल मीडिया के जौन इफेक्ट दिखत अटे कि मान ली यूट्यूब से पैसा कमा लेता नहीं, फेसबुक से कमा लेता नहीं, इंस्टाग्राम से कमा लेता नहीं, तमाम सारा ऐप्स बारी से कुछ माने वेबसाइट्स बारी से जौन से पैसा कमाई जाता अटे, तो रौरा जब फील्ड में पूरा तरीका से आ गई बनी सोशल मीडिया
के क्षेत्र में तो रुआ आवे वाला पीढ़ी खातिर चाहे जो अभी जो यूथ ओकरा तरफ अट्रैक्ट हो रहा बा ओकरा के ई बताई कि का एकरा के करियर के रूप में फुल टाइम यूटिलाइज कर जा सकता सोशल मीडिया के। बिल्कुल कर जा सकता, हमरा लगा था कि पूरा यूटिलाइज कर जा सकता, पार्ट टाइम यूटिलाइज के लिए अच्छा बाकी फुल टाइम यूटिलाइज कर जी। लेकिन दूसरा चीज जी एकर मतलब ई ना भइल कि खाली यही पर डिपेंडेंट रही, रउआ लगे स्किल होके के चाहिए। अब जैसे टिकटॉक आइल तो टिकटॉक पर लोग नाच के तनी सा मिलियन में दुकातना दुकातना पैसा कमाए लागल जी, एक बेर टिकटॉकवा बंद हो गए के जानता काल के मोदी जी यूट्यूबो बंद कर दे फेसबुको बंद कर दे इंडिया में चाहे कोनो दोसरे सरकार आइल बंद कर दहलस तो एक बेर रउआ लगे जन जन बेरा चलत रह महीना के कुछ आवत रह बट से बंद हो जाये एकदम हो जाये नु। फिर रउआ अगर मान ली कि दोसर प्लेटफॉर्म देतो भी है सरकार तो फिर शुरू से शुरुआत करे के पड़ी। तो इमे पारंगत होखी अगर ये करे के बाद तो पारंगत होके करी, न तब एगो पत्रकार बने में मात्र 1500 रुपये खर्चा बा जी। एगो मायकवा ऐसा एगो स्टिकर चिपका के अई फुमवा 150 के मिलेला, हई अई अथिया बा 150 के मिलेला, हई मायकवा जोन बाटे यो 600-700 के मिलेला जी। बिल्कुल ये अगर रउआ लागत होगे कि हई है लगा के पत्रकार बन गईनी तो बन तो जाए लेकिन वो चिरकुट पत्रकार का है ऐसा पत्रकार लोग लमटे करके पिटल जाते हैं घरी सीमानों में। अभी हाल फिलहाल में 2-3 जन के साथ भइल बा जी, भले वो निमन बालो या खराब बालो पर हम चर्चा ना करके चाहे तो रउआ पारंगत हुई। अगर रउआ सोशल मीडिया से ही पैसा कमाए के बा तो मैं पारंगत हुई कौनो चीज करते जरूरी नहीं न्यूज करते रउआ अगर एंटरटेनमेंट से जुड़ल वीडियो बनाओते नहीं तो मैं पारंगत होकर बढ़िया से बनाई पूरा प्रॉपर तरीका से बनाई जी। बहुत लोग पैसा कमाते हैं जाए इंटरनेट से तो उमे अच्छा बहुत लोग का कर ला कि आवेला इंटरनेट पर आवते सोचला नु कि बिहाने भइला हमार मिलियन में वीडियो चल जाइत नु जी जी। एगो बड़ा ही जब से भोजपुरी ब्यास लोग के गाना फेमस होके लागल मिलियन के बीमारी धर लेबे लोग के हमार वीडियो तो मिलियन में जाला जी। अरे मिलियन में जाला कि ट्रिलियन में जाला कौची में जाला उसे नहीं क्या दिक्कत, दिक्कत ही कितना बढ़िया चीज रुआ देते नहीं सही बात। तो ए पर फोकस करेगा बा तो रुआ करा के फुल टाइम बना सको तनी लेकिन स्किल के साथ बढ़िया से स्किल्ड होके अगर पत्रकारिता करे के बा तो अगर शॉर्ट टाइम ही कोर्स बा नखे मास कम करे के पैसा रुआ लगे तो जाके शॉर्ट टर्म कर ली केहू के अंडर में रह के ट्रेनिंग ले ली मीडिया के जो एथिक्स होला ओकरा के जान ली तब करी जी। सिवान के मीडिया में भले रहुआ अपना आपके यूट्यूब के पत्रकार कहतनी यूट्यूब पत्रकार कहतनी चाहे सोशल मीडिया पत्रकार कहतनी रहुआ एगो बड़ नाम बनी सनसनी बनी आज के डेट में क्राउड जोन चीज आवेला मार्केट में सोशल मीडिया पर लोग ओकरा के फॉलो करेला उसे कुछ सीखेला कुछ जानेला। रउरा सिवान के क्षेत्र में भी काम करतनी मैच बॉक्स के रउरा ग्लोबल स्टेज पर ले आवे के चाहतनी कि खाली सिवान पेस्ट काम करे के चाहतनी। ना ना बिल्कुल नहीं चाहत रउरा देखले कि मैच बॉक्स बिहार नाम है कर जी। तो हमनी के टारगेट ई बा कि जौन भी भोजपुरिया क्षेत्र बा सिवान में बेशक काम करते हैं जा और अभी शुरुआते बटे अभी बहुत दिन भइल नइखे जी। तो हमनी के प्लानिंग बा कि जौन भी भोजपुरी बेस्ड जन जगह बटे हमनी के बिहार उत्तर प्रदेश दोनों के मतलब एक तरह से पूर्वांचल कवर करे के हमनी के प्लानिंग बटे और प्लानिंग पर काम भी करल बनी। अभी मैच बॉक्स के रिनोवेशन के काम हो रहा बा बहुत जल्दी रुआ देखे बहुत सारा बदलाव में मैच बॉक्स में देखे के मिली। तो ओकर जौन एगो बैकग्राउंड में काम करे वाला लोग बा जे कि आई टी प्रोफेशनल हलो मित्र हलो उ कोनो तनखा पर काम करे वाला लोग ना हो मित्र हलो तो उ केहू लोगो डिजाइन करेला केहू टेम्पलेट डिजाइन करेला केहू कुछ करेला केहू कुछ करेला तो उ लोग लागल वालो चेंजेस हो रहा बा आ चेंज जैसा ही हुई तो एकरा के बड़ा रूप देवे के कोशिश बैठे देखल जाता कितना सक्सेस होते जा खाली सिवान नहीं रहेंगे। बहुत बड़ बात रुआ कहनी है कि जितना बड़ भोजपुरिया क्षेत्र बा भोजपुरी के जितना बड़का फलक बा उतना बड़ रुआ अपन मैच बॉक्स के एरिया बना टारगेट करे के चाहतनी। आप भोजपुरी खातिर भोजपुरी में हमरा समझ से रुआ पहला डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फेसबुक पर पत्रकारिता मने जौन बा कहल जाला खाली भोजपुरी में बोलेम हम सवाल के जवाब भले लोग हिंदी में देव इंग्लिश में देव कोनो और भाषा में देव लेकिन हम सवाल तो भोजपुरी में करें तो एकरा खातिर रुआ मने कितना गर्व महसूस करने की मने लोग टारगेट करत आज के डेट में सोशल मीडिया पर कि कहीं से हिंदी बोलनी इंग्लिश बोलनी जाना से कि व्यू इतना बढ़ जाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाई लेकिन राउर टारगेट भोजपुरी बा जमना के कहल जाला कि भोजपुरी में देखल गई बा चाहे वास्तविकता बा कि साफ सुथरा काम करके अपन खाए पिए भर के काम कमाई जा सकता लेकिन बहुत मने एगो एगो ना होला कि ये तो स्टार हैं जी इनके कमाई के कोनो लिमिटे नहीं के ऐसा तो अभी तक नहीं के देखल गई तो का लगता कि मने
मैच बॉक्स के माध्यम से रहुआ बस इतने चाहत नहीं कि चाहे मैच बॉक्स के रहुआ जो कमाई बटे सोशल मीडिया से वो रहुआ के इतना दे देता कि रहुआ भोजपुरी से भोजपुरी क्षेत्र में काम करके खुश बने। पहला बात तो एगो चीज़ हम बता दी कि भोजपुरी के इकलौता चैनल ना हम मैच बॉक्स और यो चैनल बा जो एकरा से पहले से काम करता भोजपुरी में काम करेला तो हम भी क्रेडिट ना लेम ना हम न्यूज के हम बात करता नहीं न्यूज के ही हमरा से पहले से भोजपुरी झकोरा एगो चैनल बा जो काम करता तो हम एकर क्रेडिट ना लेम। दूसरा चीज की रो कने कमाई के बात या भोजपुरी पट्टी के बात तब हम तनी कम सीमित संसाधन में जिये वाला आदमी है हम गाँव में रहे नहीं तो पहला चीज की हमारा रेंट नहीं देवे के दूसरा चीज की बिजली बिल जो हमारा शहरी नहीं देवे के ग्रामीण देवे के बा तीसरा चीज की हमारा जौन अत्याधुनिक सुविधा चाहिए जौन एगो मॉडर्न घर में हो सकता उस सब चीज हमें जा कॉलेज लेवानी यही कमाई से जी। साल में दूसरा को टूर मार लेनी यही कमाई से तो बेशक हम पैसा कमानी बहुत ज्यादा ना कमानी कमा लेनी जा हमने की कोशिश देखी पैसा अगर खाली सोच लिया कि मैच बॉक्स से पैसा कमाए के बा तो पैसा के कमी नहीं खे बिटोरे के बा खाली पत्रकारिता के कमाई जन बानू 17 को तरीका बा जी जी एकदम बोलले बा सरकारी अधिकारी से लेके नेता लो सब जना पैसा देला लो पत्रकार के जी शादी तो काल से हम उसले लगे लेकिन हमरा हम 100% ईमानदार नहीं तो हम 100% बेईमानो ना है हमरा साथे जे जुड़ल लोग बा उ चाहे वो अपना व्यक्तिगत जीवन में जैसन होके मैच बॉक्स से जुड़ल लोग व्यक्तिगत जीवन में जे भी जौन रहा ओके लेकिन अगर प्रोफेशनल बात कर जाओ तो हम ये कहने की 100% ना ईमानदार बने के बा ना 100% बेईमान बने के बा जी। पैसा उतने कमा तहार खर्चा चल जाओ तो निमन से खा लो पी लो लेकिन तरह के ही मत कहे कि साला पत्रकारवन पैसे खाती घूमेला इ तरह के उंगली ना उठा पाए बाद बाकी पैसा सबे लेला पत्रकारिता में पैसा ढेर बा पत्रकार तो चाहे लेकिन चुनाव खाली होत रहो बस चुनाव होत रहे तो पत्रकार के घर में मन न सोच के सो रहो व्यंजन जन व्यंजन वाला जितना वो बनत रहे नेता लोग बनवात रहे। अच्छा हाल में बिहार में MLC चुनाव भइल ए चुनाव के दौरान हम देखनी हमू नेट पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे नहीं तो देखनी कि रौरा बारे में चाहे मैच बॉक्स के बारे में लिखल गई कि मैच बॉक्स चैनल सिवान में सबसे ज्यादा पैसा लेला जन की मने आरोप कह सकता नहीं और दूसरा आरोप ही लगल कि रोवा जातिवादी पत्रकारिता करता नहीं तो एक बारे में रोवा क्या कहे। देखिए पैसा के जहाँ तक बात बात सही में लोग लिखले रहे कहीं ना कहीं में सच्चाई बा एक तो लेनी जाना और जान लेनी जाना ठाँच के लेनी जा हम खुलियाम कहे नहीं अपनों चैनलों पर रोवा पकड़ते नहीं पहला बात। दूसरा बात जातिवादी के अगर हम जातिवादी रहती तो पूरा जिला में अगर सबसे ज्यादा मैच बॉक्स से कोनो नेता नाराज रह उनका नाम है अजय सिंह जी राजपूते हुए दूसर जात ना हुए जानता नहीं तब जो जातिवादी कहता कौना एंगल से कहता पता नहीं क्या हमारा हो सकेला कि भाई भगवा गमछी लगे ले बनता हमारा के लोग जातिवादी कहत हुई क्या कि मनोज सिंह हमारे यहाँ से चुनाव लड़े ले। हाँ हम ये जरूर रहे कि हम फेसबुक पर लिखले रहनी एगो पोस्ट कि मनोज सिंह के चुनाव के पहले कि जीत की बहुत बहुत बधाई 10 दिन पहले तो लोग ऊपर कमेंट प्रतिक्रिया दे रहे हमारा हालांकि वो प्रेडिक्शन रहे हम ऐसा उम्मीद जतेले रहनी कि वो जीत सकता रहे ना जीतले ऊपर हमारे लोग मजाक उड़ावल तो हम देख हम देखले रहनी तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करनी कि भाई मजाक उड़ावे ला काम हम पहले मनी उम्मीद रुवे यो लिखले रहनी कि हमर व्यक्तिगत राय हो पत्रकार पत्रकारिता जीत के राय ना लेकिन मैच बॉक्स कबो ही नहीं खेल लिखले कि मनोज सिंह जीतो तारे चाहे अजय सिंह जीतो तारे चाहे फलानवा सिंह जीतो तारे जी मैच बॉक्स पर कबो ही नहीं के कह सकत कि आई सामने अगर बाबू साहब रहू त सवाल जोन बा तेवर कम हो गए या बात करे में तेवर कम हो गए एकदम ना भोगे एकदम ना रुवे नाराज हो कि ओकत रही हम जायज बानी तो हम करेम जो हमरा लागी कि हम अपना मकसद से समझौता करते नहीं या हम सामने बाबू साहब बने तो हम डेरा जाते नहीं या हम नहीं ही कर पावत वो दिन चैनल बंद करके लोग से माफी मांग लिए। जातिवाद अब कहे के जगह कहे के तो रोगो के लोग कह दी कि फलनवा ई हम त ई करत हुई है एकदम कह दी कहे ला के केहू रोक ले बा रोकहु आ रोकल जाई तो एगो कहल जाला कि केकरा केकरा के रोके में काहे रोकेम भाई तू पॉजिटिव बतिया हमरा बारे में चाहे निगेटिव बतिया चर्चा तो तू हमरे बारे में करता रे एकर मतलब बाकी रहुआ माने रौरा के चाहे जेकरा बारे में चर्चा कइल जाता तू ओकरा के तो फॉलो तो कम से कम करता रे ओही चलते तू आवत बार ओकरा के देखे जो ओकर काम बोलत अटे एकर मतलब ये भाई अब बटे कि रहुआ न्यूज के फील्ड के अलावा भी कुछ काम करे के चाहत नहीं मैच बॉक्स के थ्रू फिलहाल तो अभी कुछ नहीं सोचले हम फिलहाल हमनी के सिर्फ न्यूज पर फोकस बा बीच बीच में कबो कबो कुछ कुछ ब्लॉग वगैरह भी डाल देने जाए इंटरटेनमेंट खातिर दर्शक के जोन बात तनी
टेस्ट चेंज होत रहो, फ्लेवर मिलत रहो, फ्लेवर मिलत रहो। हालांकि ओमे लोग कुछ कई बार कहियो देला कुछ कुछ, जैसे अभी देखले ओके हाल फिलहाल में हमनी के सतुआ खात में के वीडियो वायरल भइल बा, बड़ा लोग देखले बा जी। तो लोग कहत है कि न्यूज चैनल लगे का भाई के सतुआ खात दिखावता, कुछ लोगों को देख के खुशो होता जी। हमनी के तनी सा कबो कबो मूड बदले के कोशिश करन जा, फिलहाल ये बटे कि न्यूज पर ही हमनी के ज्यादा फोकस रखे के बबे। बीच बीच में मैच बॉक्स के माध्यम से कुछ कुछ, जैसे एक खाली ओपन माइक में रहुआ रहनी जी जी आई, तो एक तरह के कुछ गतिविधि भी करे के प्लानिंग बा, जो उनकी होत रही समय के हिसाब से, जब समय मिली तो कही जाए। दूगो हमनी के ओपन माइक के सीजन भी आयोजित कर चुकल बन जा, तैसन ये खाली न्यूजे बा, लेकिन फोकस न्यूज पर बा जी। अच्छा, भोजपुरिया क्षेत्र में बहुत ऐसा चीज बा जना से लोग अनजान बा, रहुआ ओकरा बारे में अगर पता चलता, वो न्यूज के क्षेत्र में ना होके, मान ली कि चले कि ऐतिहासिक स्थलों के कोनो पर्व त्यौहार होके, चाहे अथी होके, का कहल जाला, कोनो जगह होके जौना के बारे में कोनो ऐतिहासिक पौराणिक पौराणिक ओकर महत्व बटे, तो ओकरा के रहुआ अपना चैनल पर देखा के लोग के एकरा बारे में जानावे कोशिश करे। हो सकेला के रहुआ ना देख लो की वीडियो, हमे तरह के चीज जब भी हमनी के कुछ पता चलेला तब भोजपुरिया पट्टी में या आदमी कहीं घूमा जाला जी, तो जैसे पता चलल कि हई चीज बा, एकर ऐतिहासिक महत्व है बा, ए पर लोग फोकस नहीं करत, ले आइए लोग के दिखावे के चाहिए, तो बेशक हम ब्लॉग वीडियो बनावे नहीं और ब्लॉग वीडियो के माध्यम से दिखावे नहीं। अगर लागेला कि अगर न्यूज बनावल जरूरी बा, वो चीज के अस्तित्व खत्म होता या वो समस्याग्रस्त बटे, तो ओकर न्यूज आदमी दिखावेला, ना तो लोग के बतावे के रहला, तो ब्लॉग दिखावे नहीं हम। तब ये कोनो हमनी कहती अथी नहीं कि नया नहीं है, पहले से भी कर रहा बनी जा, केहू बेहतर काम करेला भेटा जाला तो ओकरो के आदमी दिखावेला जी जी, तो ये तो चला था पहले ही से जी। बहुत बहुत शुभकामना बा हमार एकरा खातिर रहुआ, कि मैच बॉक्स के थ्रू, मैच बॉक्स के माध्यम से रहुआ जनता के सामने, दर्शक के सामने भोजपुरी के अलग अलग फलक जौन बा, ओकर कैनवा जौन बा, कैनवास जौन बा भोजपुरी के बहुत बड़ बा जी। एक आदमी अगर चाहे, एगो चैनल चाहे, एगो संस्था चाहे, कि सब चीज के हम समेट ली तो संभवे नहीं है। बिल्कुल, तो हम बस ये कहें कि रुआ बढ़िया चीज़ दिखावत रहीं, भोजपुरी के जनता के झुमावत रहीं, न्यूज के माध्यम से लोग के बीच में सकारात्मकता फैलावत रहीं, और मैच बॉक्स के नाम आ काम आवरी बोलो, यही शुभकामना के साथ हम ये कहें कि रुआ हमनी के खबर भोजपुरी के टीम के जो समय देनी है अपन बेस कीमती, एक खातिर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहू के अनुराग जी, क्योंकि आए दिन घूम के हम इंटरव्यू लोग के लेनी, रुआ हमारा के काबिल समझनी कि हमारा इंटरव्यू ली, बहुत बहुत धन्यवाद बटे, धन्यवाद बटे, और खबर भोजपुरी के टीम के बहुत बहुत धन्यवाद बटे।